देखिए ये इतिहास है, इंदिरा गांधी जी का भी सदस्यता खारिज किया गया था, उसके बाद उनको जेल में डाला गया था और उनके बाद वो आंधी बल के निकली और देश का प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये संकेत है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। महानगर कोलकाता में आज राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ और ममता बनर्जी की कई योजनाओं में फेलियर के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान सबने नारेबाजी की और केंद्र सरकार और राज्य की ममता सरकार पर हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस को वाम फ्रंट का भी साथ मिला। इस अवसर पर सबने कहा कि भाजपा ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करके गलती कर दी, जनता हमारे साथ है और इस बार 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इस बार 2024 के चुनाव में भाजपा को हराएंगे। वहीं राज्य में ममता सरकार को लेकर भी लोगों ने गुस्से का इजहार किया, आइए सुनते हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो तानाशाही का जो सरकार जो सेंट्रल में चला रही, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल राहुल गांधी जी जो हमारे लीडर को डिसक्वालीफाई जो किया गया है, हम लोग उसके विरोध में आज ये रैली निकाले और सिर्फ आज नहीं, हम लोग हमेशा जो है इसके विरोध में लड़ते रहेंगे जब तक राहुल गांधी जी का मेंबरशिप को वापस जो है रिस्टेट नहीं किया जाएगा। तब तक जो है हम लोग पूरे भारत में जो है आंदोलन करते रहेंगे, राहुल गांधी जी के लिए लड़ते रहेंगे। और मोदी जिस तरीके से अडानी को बचाने के लिए अपना चोरी को अपना मक्कारी को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को डिसक्वालीफाई किया गया, ये पूरा का पूरा साजिश है। आज से पहले भारत में इस तरीका का काम कभी भी नहीं हुआ, ये पहली बार इन लोगों ने ये इस तरीका का, इससे साबित हो रहा है देश का जनता भी जान चुका है कि किस तरीका से मोदी सरकार अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से बाहर किया गया है। निकाला गया इसलिए कि तानाशाही हुकूमत के खिलाफ हम लोग रैली निकाला है और तानाशाही में जो मोदी हुकूमत जो कर रहे हैं हम लोग इससे खिलाफ हैं। हम लोग का रैली भी चलता रहेगा, तहरीक भी चलाएंगे जब तक हम लोग मोदी को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे और राहुल को जब तक हम लोग वहाँ पर बहाल नहीं कर दिया जाएगा फिर से रुकनीत में, हम लोग तब तक यहाँ पर रैली चलाते रहेंगे, हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। और हम लोग का इरादा है कि हम लोग बिल्कुल अब इसको उखाड़ के फेंकेंगे, ये चोर हुकूमत को नहीं रखेंगे। ये चोर हुकूमत और ये आपका मोदी सरकार, ये सब मिली भर की सरकार है। ये हुकूमत नाअहल हुकूमत है, बिल्कुल नाअहल है और हुकूमत में बिल्कुल जो कर रहे हैं तमाम साजिश कर रहे हैं, तरह तरह के साजिश कर रहे हैं, कभी हिंदू कभी मस्जिद कभी मंदिर, ये सब का मुद्दा उठा करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम मुद्दा पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा के बात करने से जो गिरफ्तार किया जा रहा है, मुद्दा के बात करने से गिरफ्तार कर रहा है। अब हम लोग गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग सब इकट्ठा हो गए हैं, कितना गिरफ्तार करेंगे, हम लोग गिरफ्तार होने को तैयार हैं, छोटे बच्चे बूढ़े बच्चे सब गिरफ्तार होंगे। देखिए कहाँ हम लोग जेल में, कितना जेल है उसमें सख्ती में हम लोग जेल में रख सकते हैं। देखिए ये इतिहास है, इंदिरा गांधी जी का भी सदस्यता खारिज किया गया था, उसके बाद उनको जेल में डाला गया था और उनके बाद वो आंधी बल के निकली और देश का प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये संकेत है कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ने हम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, उनका सदस्यता खारिज करके उनका कायरता उनका डर दिख रहा है चेहरे पर। राहुल गांधी सवाल पूछने वाले थे, 20,000 करोड़ जो है अदानी का सेल्स कंपनी में आया तो कहाँ से आया, तो ये सवाल को रोकने के लिए उनको सदस्यता खारिज किया गया ताकि वो सवाल पूछ ले सके। अगर आप बंद कर दीजिएगा, आपका राहुल गांधी बोलने नहीं दीजिएगा तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों से सवाल जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार है आपका है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। संसद में कांग्रेस अब सवाल नहीं पूछ पाएगी, तो क्या आप सड़क से संसद तक जाने का जो कारीगरी है वो कांग्रेस ही जानता है। आज हम लोग के सारे कार्यकर्ता ज़्यादातर ब्लैक ड्रेस में है, तो ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि देखिए हम लोग को आक्रोश है। आज कांग्रेस बाम सीपीएम जितना भी पार्टी है, जितना ऑपोजिशन पार्टी है, सब सड़कों पे है। टीएमसी देखिए कोई नाम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाम कांग्रेस एक साथ हम लोग आज रैली कर रहे हैं और दिखा देंगे कि मोदी हटाओ देश बचाओ। बाम और कांग्रेस सभी विपक्ष बंगाल में, अभी देखिए आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत जल्द है कि हमने सुना है कि ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है राहुल गांधी के लिए, तो बहुत टाइम बदलने में टाइम नहीं लगता है। राहुल गांधी के साथ जब ममता बनर्जी खड़ी हो रही है तो हो सकता है वो घूम के इधर भी आए।
तो टाइम है, देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको मिलेगा रिजल्ट। ये तृणमूल सरकार एरा आमादेर शिक्षित समाजेर मेरुदंड भेंगे दीजिए पुरो, एवं चारिदिके चुरी, कयला चुरी, हाँ गरु चुरी, आबार हच्छे शिक्षा चुरी करछे, किन्तु कोनो रकमेर विहित हच्छे ना। बहुदिन आगे थेके হ্যাঁ 2014 সালের ঘটনা, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো রকম তার ব্যবস্থা নেই। এছাড়া ধরুন এই আবাস যোজনা, সেখানে যারা যোগ্য তারা ঘর পাচ্ছে না, কিন্তু যে লোক স্কুল টিচার প্রফেসর তারা ঘর পাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, এবং আমরা এই মাটি ছেড়ে লড়ব না, আমরা লড়াই করব, লড়াইয়ের ময়দানে থাকব। তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আর রেগার ছাঁটাই করছে, রেগার মানুষের কাজ চলে যাচ্ছে, সে তার বিরুদ্ধে আজকে মিছিল, আর রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে না, বঞ্চনা করছে, আর রাজ্যের অপরিসীম দুর্নীতি, তৃণমূলের দুর্নীতির জন্য আজকের এই আমাদের মিছিল। গরিব মানুষ টাকা পাচ্ছে না, গরিব মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, 100 দিনের কাজ পাচ্ছে না, রেগা প্রকল্প তুলে দিয়েছে, এই দাবিতেই আজকে আমাদের এই মিছিল। 100 দিনের কাজ তো পাচ্ছেই না, কাজটা নেই। তারপর সব থেকে বড় কথা যে ইন্দিরা আবাসনে যে আমাদের আবাস যোজনা যে বাড়িঘরগুলো ছিল সেগুলো পর্যন্ত গরিব মানুষদের দেওয়া হয়নি, তাদের থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সেই টাকা পয়সা তারা লুট করেছে। আমাদের চারিদিকে আমাদের সন্তান গ্রামের বাড়িঘরে জঙ্গলগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, 100 দিনের কাজগুলো পর্যন্ত নেই, সেই কাজগুলো নেই, তাদের 100 দিনের টাকাগুলো তারা পাচ্ছে না, চারিদিকে সন্ত্রাস, টাকা লুট, বস্তা বস্তা টাকা, লক্ষ্মী ভাণ্ডার দিয়ে মানুষকে ভিক্ষা দিচ্ছে, ভিক্ষা ছাড়া কিছু না। সরকারি একটা প্রত্যেকটা রিকর্ড করতো, একটা রিকর্ড নেই এই পর্যন্ত। আমাদের আমাদের দুর্নীতি ছেয়ে গেছে, এইখানে তো অবস্থিত করতে আমাদেরকে সরকার বদলাতে হবে। ওনার আমরা এই জোর তৃণমূল সরকারের পতন চাই, সেই জন্য আমাদের এই লড়াই, এই লড়াই আমাদের চলছে, চলবে, এই এই সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত আমাদের এই লড়াই চলছে, চলবে।